हेलो स्टूडेंट्स, जेके स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। आज हम डी मल्टीप्लेक्सर का जो है थर्ड पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली डी मल्टीप्लेक्सर का थर्ड ट्यूटोरियल है। इसमें हम क्या करेंगे, व्हाट इज डी मल्टीप्लेक्सर के बारे में देखेंगे और डिजाइन करेंगे जो 1:4 होता है वो मल्टीप्लेक्सर कैसे हम डिजाइन करते हैं वो देखेंगे। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने 1:2 के बारे में आपको बता दिया। जिसने वो वीडियो नहीं देखी जरूर देखिए, तभी आपको ये वीडियो भी समझ आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डीमक्स क्या है वो मैंने आपको बता दिया है कि डीमक्स जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जिसकी बहुत सारी इनपुट्स होती है, ठीक है, सॉरी मल्टीप्लेक्सर की बहुत सारी इनपुट्स होती थी। डीमक्स क्या है, जिसकी एक ही इनपुट होती है और बहुत सारी आउटपुट होती हैं, ठीक है, इसको हम डीमक्स भी बोलते हैं, ठीक है। इसका मेन फंक्शन क्या होता है, मैंने बता ही दिया था कि जो डाटा आ रहा है वो सीरियल डाटा आ रहा है, तो सीरियल को पैरेलल में कन्वर्ट करता है, तो ये इसका काम है। और इसको हम रिसीवर साइड जो है डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम में यूज करते हैं। अब हम करने जा रहे हैं 1:4 डीमक्स डिजाइन, ठीक है, इतना आपने लिखाना है, ठीक है। मैंने काफी वीडियो में इसको ब्रीफली बता दिया है। तो 1:4 जो है वो डीमक्स हम डिजाइन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले 1 हमारी इनपुट बन जाएगी और आउटपुट हमारी कितनी बन जाएगी, 4, 1, 2, 3, 4। तो यहां पर हम इसका नाम दे देंगे D1, D, तो ऐसे हम D3 तक नाम दे देंगे। अब सिलेक्ट लाइनें कितनी आएंगी ये हमें पता नहीं है, तो वो कैसे पता चलेगा, तो वो कैसे पता चलेगा 2 की पावर S = आउटपुट। तो आउटपुट हमारी कितनी है, तो ये हमारी क्या है, आउटपुट है, तो ये हमारी क्या है, इनपुट है। तो आउटपुट हमारी कितनी है, वो हमारी है 4, ठीक है। तो 2 की पावर S बन जाएगी, जो 4 है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2। 2 से 2 कट जाएगा, एस की वैल्यू आ जाएगी 2। तो कितनी सिलेक्ट लाइनें चाहिए हमें, एस मीन सिलेक्ट लाइंस, वो हमें चाहिए 2। तो इसका नाम हम S1 और S0 रख देंगे। तो ये हमारी सिलेक्ट लाइनें हैं। आगे हम इसका ट्रूथ टेबल देखते हैं। जो ट्रूथ टेबल है वो ही बताता है कि ये कैसे काम करेगा। तो ट्रूथ टेबल में मैंने इनपुट्स, सिलेक्टेड इनपुट्स ली हैं S1 और S0। जो डाटा है वो तो सेम ही जाएगा, इसमें डी इन ही जाएगा, वो तो हमने कनेक्ट करना ही करना है। अब हमारा यहाँ पर क्या क्या कॉम्बिनेशन आएगा, 0 0 हो सकता है, ठीक है, 0 1 हो सकता है। तो मैंने काफी बार बता चुका हूँ ये कॉम्बिनेशन आपने याद रखना है, 0 0 0 1 1 0 1 1। अगर नहीं याद होता तो आप सीधी 2 0 2 1 0 1 0 1 ऐसे भी आप याद रख सकते हो। अब माइंड में ये आता है कि सर ऐसे ट्रुथ टेबल आप कैसे याद रखते हो, सिंपल सी बात है यार, अगर हम सिलेक्ट लाइंस 0 और 0 सिलेक्ट करेंगे तो मैं चाहता हूं कि अगर मैं ये दोनों ही 0 करूं तब मेरी जो है आउटपुट पे ये वाली लाइट जगे, लाइट ये वाली ग्लो हो जाए, बाकी सब बंद हो जाए। कब होगी, जब ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई होगा। अगर 0 1 होगा तो फिर दूसरे वाला बन जाए, अगर आगे होगा तो आगे वाला बन जाए, तो ये मैं चाहता हूं। तो 0 0 पे मैं चाहता हूं बाकी सब ऑफ हो जाए, मीन्स बंद हो जाए, ऑन क्या हो जाए, ये वाली D0, ठीक है। ऐसे ही हमारी जो है 0 1 पे कौन सी ऑन हो जाए, बाकी सब चला जाए, कौन किसका डाटा जाए, 1 का, D1 का। ऐसे हमारा D2 का डाटा जाना चाहिए, बाकी सब बंद हो जानी चाहिए। ऐसे ही हमारा 1 1 पे कौन सा डाटा जाना चाहिए, D3 का डाटा जाना चाहिए। तो ये हमारा एक ट्रूथ टेबल बन जाएगा। तो इजी सा ट्रूथ टेबल, यहाँ से हमें वर्किंग इसकी भी काफी पता चल गई है। अब इसका बनाते हैं हम लॉजिकल डायग्राम इम्प्लीमेंटेशन डिजाइन। तो जो लॉजिकल डायग्राम है, ठीक है, किसका हम बनाने जा रहे हैं, 1:4 डीमक्स का। तो वो हम कैसे बनाएंगे, हमारे पास सिलेक्टेड लाइंस तो 2 है, ठीक है, और हमारे पास डाटा कितना है, 1 ही इनपुट आ रही है, तो उसके बिहाफ पे हम बनाने जा रहे हैं, ठीक है। तो मैं अभी देखता हूं, सबसे पहले सिलेक्ट लाइन आएगी हमारी S1, ठीक है, और यहां पर आएगी S0, तो यहां पर ये बन जाएगा, ठीक है,
और यहाँ पर हम नॉट गेट भी लगा देंगे, तो यहां से हमारा S1 बार भी आ जाएगा। ऐसे हम यहां पर एस नॉट करेंगे, तो ऐसे हम नॉट गेट लगा देंगे, तो हमारा यहां से जो आएगा वो हमारा क्या बनेगा, वो हमारा बन जाएगा एस नॉट का बार बन जाएगा। ठीक है, अब हम बनाने जा रहे हैं इसकी आउटपुट। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एंड गेट यहां पर भी लगाएंगे। ठीक है, यहां पर भी एंड गेट हम लगाते थे मक्स में भी, यहां पर भी हम एंड गेट लगा देंगे। और कितनी आउटपुट चाहिए हमें, 4, तो 4 ड्रा तो कर सकते हैं, तो हमें 4 एंड गेट जो है वो लगाने पड़ेंगे। यहां पर 1, 2, 3 और 4, तो 4 हमने जो है यहां पर मैंने लगा दिए हैं। अब मैं चाहता हूं यहां पर हमारे डी नॉट आने चाहिए, यहां पर हमारा D1 आना चाहिए, यहां पर हमारा D2 आना चाहिए और यहां पर हमारा D3 आना चाहिए। ये कब आता है, जब हमारी एस नॉट की वैल्यू, अभी मैंने बताई 0-0 पे, यही मैंने ट्रुथ टेबल बताया आपको कि 0-0 पे, 0-0 पे हमारी यही आनी चाहिए, तो वही हम करने जा रहे हैं। अब हमारी S00 पे S1 यही था, S1 S0 00 पे 011011, यहां पर हमारी D नॉट आनी चाहिए, यहां पर हमारी D1, यहां पर हमारी D2 और यहां पर हमारी D3 आनी चाहिए। तो सबसे पहले हम नॉट की बात कर लेते हैं, 00 दोनों नॉट है, तो यहां से हम उठाएंगे ऐसे, मैं इसको स्लॉट कर लेता हूं, और यहां से आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहां से ऐसे, ठीक है, और यहां से ऐसे, और यहां से ऐसे, थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटिव हो जाएगा तो पर पता चल जाएगा। तो यहां से मैंने सिलेक्ट कर लिया, ऐसे नॉट सिलेक्ट करना है तो यहां से सिलेक्ट करूंगा मैं, यहां से, ठीक है, और यहां से सिलेक्ट किया और ये वाला सिलेक्ट कर लिया और यहां से इसको ऐसे कर दिया, तो हमारा पास यहां पर S1 यहां पर नॉट और यहां पर नॉट, यहां से और डाटा। अब आता है डाटा कहां से दिया, तो यहां से एक हम D इनपुट भी डाटा भी रखना पड़ेगा, और ये जो इनपुट है वो वहां पे हमें सभी पे पास कॉमन कनेक्ट करनी पड़ेगी, तो इससे भी कनेक्ट मैं कर रहा हूं। ठीक है, और नीचे भी आप कहीं भी यहां पर इसको कनेक्ट कर सकते हैं, मीन्स डाटा जो है यहां पर इसको मिलना चाहिए, इसको ऐसे मैं डाटा इनपुट दे रहा हूं। ठीक है, तो थोड़ा सा नीचे कर देता हूं, यहां पर ऐसे भी कर देता हूं। ठीक है, आप ये जम्पर ऐसे लगा भी सकते हो, सीधा भी कर सकते हो, इसको भी डाटा इनपुट देना पड़ेगा, यहां से भी डाटा देना पड़ेगा। ठीक है, और यहां से भी दिया हमने, ठीक है, और यहां से भी हमें देना पड़ेगा, इसको भी देना पड़ेगा, तो यहां से हमने डाटा जो है कॉमनली इसको दे दिया है, तो यहां यहां हमने शो भी करवा दिया है। अब हमारा पास 01 चाहिए, तो 0 के लिए ये वाला है, ठीक है, तो ये वाला हम यहां से, ये वाला देखिए S1 हमारा क्या है, देखिए यहां पे S1 हमारा जो है वो 0 चाहिए, दूसरा 1 चाहिए, तो यहां से हम इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ लेकर जाते हैं जिससे क्लियर हो जाएगा आपका। तो S1 हमारा 0 चाहिए, तो यहां से ये वाला 0 मिल रहा है, तो यहां से हम इसको कनेक्ट करेंगे और यहां से हम सीधा इसको कनेक्ट कर देंगे इसके साथ, और ऐसे ही हमें ये 1 चाहिए, इसको हम कनेक्ट कर देंगे, यहां से कनेक्ट करेंगे इसके साथ, तो ऐसे इससे पता चल जाएगा कि ये आपस में कनेक्टेड है। तो ऐसे ही हम थर्ड का भी बना लेंगे, ठीक है, वो हमारा है 10, तो यहां से 1 उठा लेंगे, ठीक है, और यहां से हम 0 उठा लेंगे, तो ये हमारा ऐसे जो है वो हो जाएगा। लास्ट वाला हमारा 11 है, तो हम इसको और इसको ही रख लेते हैं, ठीक है, 11 के लिए हम इसको उठाएंगे, इसका भी डाटा आना चाहिए सीधा कनेक्ट, और इसको उठा लेंगे और यहां पर इसको उठा लेंगे, तो ऐसे हमने जो है वो डिजाइन कर लिया है 1:4 जो डीमक्स जो है हमने डिजाइन कर लिया। तो आपको पता चल गया होगा कि 1:4 हम डीमक्स कैसे डिजाइन कर रहे हैं। तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि मैं और आपके लिए इंटरेस्टिंग वे से वीडियो बना सकूं। और आपको जो इसके ट्यूटोरियल है jksmartclasses.com, psbt.com, psbtpaper.com पे आपको मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।